हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं का फिजिक्स सरल रेखा में गति। उस चैप्टर में अवकलन की प्रारंभिक अवधारणा है। तो हमने अवकलन को बहुत अच्छे से सीखा, अवकलन के सूत्र लोगों को भी हम लोगों ने याद किया है। तो आज हम सीखने वाले हैं समाकलन। तो सबसे पहले मैं आज आपको समाकलन के जितने भी सूत्र हैं जो आपका उपयोग होने वाला है इस चैप्टर में, वे सभी सूत्र बारीकी से समझाऊंगा। ठीक, यहाँ मैं समाकलन का पूरा फॉर्मूला छोड़ के रखा हूँ, इसको मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे होता है। और अवकलन के लिए तो मैं आप डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो यहाँ अवकलन का फार्मूला मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि जो समाकलन होती है वो अवकलन के विपरीत होती है। क्या होती है समाकलन? अवकलन की विपरीत। इसलिए अवकलन के भी सभी फार्मूले यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ। मतलब आज के वीडियो में आपका अवकलन समाकलन के जितने भी सूत्र हैं पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समाकलन के फार्मूला। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इधर देखिए, एक्स की अवकलन क्या होती है? एक। क्या होती है? एक। तो जो समाकलन है ना वो अवकलन की विपरीत है, अवकलन की विपरीत है। एक्स का अवकलन हुआ वन, तो वन का समाकलन होगा एक्स। इधर देखिए, वन का समाकलन होगा एक्स। क्या होगा? एक्स। अब ध्यान दीजिए, समाकलन को हम ऐसे दर्शाते हैं, ये चिन्ह रहेगा सांप जैसा और बगल में डी एक्स रहेगा, ये डी एक्स है। यहाँ पे आप भरमान को रखते जाएंगे, यहाँ पे जितने भी फलन हैं वहाँ पे रखते जाएंगे। एक मतलब अचर फलन, तो एक का समाकलन होगा एक्स। क्या होगा? एक्स। एक्स की घात एन, इसका बस थोड़ा अलग होता है। एक्स की घात एन का मतलब होता है एक्स की घात एन प्लस वन बटे एन प्लस वन। देखिए क्या करना है आपको, इसके घात में एक जोड़िए तो एन प्लस वन और उसी को नीचे लिख दीजिए, काम खत्म इसका भी। ठीक, ई एक्स, ई एक्स का अवकलन ई एक्स होता है, तो इनका समाकलन भी होगा ई एक्स। क्या होगा? ई एक्स। उसके बाद ये छोड़िए, लॉग एक्स का अवकलन होता है वन बाई एक्स, तो वन बाई एक्स का समाकलन होगा लॉग एक्स। वन बाई एक्स का समाकलन होगा लॉग एक्स। क्या होगा? लॉग एक्स। साइन, इधर देखिए, साइन का कॉस होता था, तो यहाँ पे भी साइन का कॉस ही होगा लेकिन माइनस होगा। क्या होगा? माइनस। बताया आपको मैं, समाकलन अवकलन की उल्टा काम है, विपरीत प्रतिक्रिया है। कॉस का समाकलन क्या होगा? प्लस साइन, और यहाँ होता था माइनस साइन। अब देखिए इधर, टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होगा आपका टेन एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होगा आपका टेन एक्स। क्या होगा? टेन एक्स। फिर कॉट का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर का हो जाएगा कॉट। क्या हो जाएगा? कॉट, और वो भी माइनस में, कॉट एक्स। फिर सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक का होता है सेक इंटू टेन अवकलन, तो इनका समाकलन होगा ये आपका, इनका समाकलन होगा सेक। तो ये हो जाएगा सेक इंटू टेन का समाकलन सेक एक्स। क्या होगा? सेक एक्स। कोसेक इंटू कॉट का यहाँ हम समाकलन करेंगे, कोसेक का अवकलन होता है कोसेक इंटू कॉट, तो कोसेक इंटू कॉट का समाकलन होगा आपका कोसेक। यहाँ नहीं लिख पाया मैं, चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, 12 के बाद 13 नंबर दे देता हूँ इनको। तो कोसेक इंटू कॉट समाकलन का चिन्ह, और ये कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये डी एक्स। ठीक, तो कोसेक इंटू कॉट का समाकलन होगा कोसेक, माइनस भी चला जाएगा तो माइनस कोसेक। ठीक, माइनस क्या हो जाएगा आपका? कोसेक। साइन इन्वर्स का अवकलन होता है वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो इनका समाकलन होगा साइन इन्वर्स। ठीक, तो इनका समाकलन होगा साइन इन्वर्स एक्स। ठीक, टेन इन्वर्स का एक्स का अवकलन होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इनका समाकलन होगा ये टेन इन्वर्स है, तो ये हो जाएगा आपका टेन इन्वर्स एक्स। सेक इन्वर्स एक्स का अवकलन होता है वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इनका समाकलन होगा ये। ठीक, तो ये हो जाएगा सेक इन्वर्स एक्स। देखिए बहुत आसान है, ये समाकलन की कुछ बेसिक फार्मूला है, और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली फार्मूला ये है आपका, ये वाला। ठीक, तो इस तरह से हम
आज की वीडियो में सिर्फ समाकलन के फॉर्मूलों को देखेंगे। आप समाकलन के फॉर्मूला याद करिए, एक A4 साइज के पेपर में लिखिए, उसके बाद हम सीखेंगे समाकलन करना। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक करें और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।